हाय, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आप नीट 2024 के लिए पढ़ना चाहिए आपको। देखो, दिवाली खत्म हो चुकी है, अब हमारी दूसरी दिवाली है कब, 5 मई 2024 को हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है। और मैं चाहता हूं अगली दिवाली आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के बनाओ, क्योंकि वहां पे जब दिवाली बनाओगे तो मजा अलग ही आने वाला है कंपेयर टू घर पे बैठ के दिवाली बनाने में, या फिर ड्रॉप लेके, या फिर घर में पढ़ाई कर रहे हो कि यार दिवाली अब अगले साल मेरा नीट का एग्जाम है, भूल जाओ। सारी की सारी चीजों पर फोकस करो, क्या कि मुझे दिवाली अगले साल की कॉलेज के अंदर बनानी, और ऐसे वैसे कॉलेज नहीं, एक अच्छा कॉलेज में जाके बनानी, क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा एक डॉक्टर बनूंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड कर सके। अब उस एक जर्नी में एक छोटा स्टेप मैं लेना चाह रहा हूं, वो ये है कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। देखो, सिलेबस की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है, बहुत पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर गोल है कि मुझे अगली दिवाली कॉलेज में बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करूंगा जिसमें मेरे चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं वो टॉपिक्स क्या है। अब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है हमारा, हम नीट चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, और मैं जानना चाहता हूं आपकी कितनी प्रिपरेशन है। क्वेश्चन आपका यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर। आपके पास ऑप्शन है हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और डीकंपोजर। चार में से सिर्फ एक ही आंसर सही है, कमेंट करो ए बी सी या डी, कमेंट करके बताओ कि आंसर सही क्या है। जो सही कमेंट होगा उसको हम एक लाइक देंगे, और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हम अभी कहां पे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करो। प्रिपरेशन आपकी नीट 2024 की अभी से स्टार्ट हो जाती है, हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे, तो मेक श्योर पढ़ाई करके करो, गूगल पे सर्च करो जो भी करना है, लेकिन मेक श्योर ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आंसर अगर सही हुआ तो आपके चार नंबर ऐसे ही आ गए, इस वीडियो को देखने से ही चार नंबर आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए, मैं पर्सनली लाइक करूंगा इस कमेंट को जो सही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, सबसे ज्यादा डर स्टूडेंट्स को फिजिक्स से ही लगता है, तो मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बहुत कुछ कर सकते हो, पहला सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं 11th क्लास से, तो क्या क्या वो टॉपिक्स है जिसपे आपको फोकस एक्स्ट्रा करना है, वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये 11th क्लास की फिजिक्स से आपको फोकस करना है बहुत ज्यादा। मैं सजेशन दूंगा 100 क्वेश्चन लगाओ और मेक श्योर करो कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो। क्यों? क्योंकि हमें दिवाली कहां मनाना है, ये कमेंट करके बताओ। फिर हम आ जाते हैं 12th क्लास में, 12th क्लास की फिजिक्स से मुझे क्या फोकस करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे करना है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे करना है, रे ऑप्टिक्स पे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, फिर एटम एंड न्यूक्लियाई पे करना है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे करना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये फिजिक्स के हैं, फिजिक्स को मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स से बहुत अच्छे तरीके से नंबर आ जाते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिजिक्स वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी बन चुका है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जाओ, वहां पे भी हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पे भी बिल्कुल भी थोड़ा सा लेजीनेस ना लाओ। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बोला जाता है कि बहुत आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत करी हो तो बहुत आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं, अगर आपने मेहनत करी हो तो मेक श्योर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हम सही जगह करें। 11th क्लास से क्या टॉपिक्स पे हमें मेहनत करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे करना है, केमिकल बॉन्डिंग पे करना है, इक्विलिब्रियम पे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल पे करना है और टेक्निक्स पे करना है। तो ये 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री से वो ये है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े, अब आ जाता है 12th क्लास, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द डीएनएफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
पीरियोडिक टेबल से। फिर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्केहाइड्स, कीनोट्स एंड कार्बन ऑक्साइड एसिड। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, लेकिन आपकी केमिस्ट्री वीक नहीं होना चाहिए। मेक श्योर आप टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर अप करो। केमिस्ट्री अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी कमांड है तो आप उसे बहुत अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है कि बायोलॉजी, 11th क्लास से क्या क्या फोकस करना है, प्लैनेट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन उसका यह है, जब आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर का काम ही है इंसानों को ठीक करना, इंसानों को ठीक करना। तो अगर ये टॉपिक भी नहीं बन रहा है, इस टॉपिक से भी नंबर नहीं आते, तो डॉक्टर बनने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वहां पे कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि इस केमिकल का कंपोजिशन गड़बड़ हो रहा है, इस केमिकल को सही करो। नहीं, वो आपसे बोलेगा इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसे बुखार है, इसका बुखार ठीक करो। तो मेक श्योर इस टॉपिक पे भी आप फोकस कर रहे हो अच्छे से। फिर उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास का टॉपिक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका जेनेटिक्स, ये भी 12th क्लास का टॉपिक है बायोलॉजी से। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अब जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज्यादा बायोटेक में बढ़ रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बायोटेक एक अल्टीमेटली फील्ड बन चुकी, लेकिन बायोटेक एक ऐसी फील्ड बन रही है जहां पे इंजीनियरिंग भी बायोटेक से की जा सकती है। तो मेक श्योर ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छे से फोकस करो। तो ये टॉपिक्स थे जिन पे आपको फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कोशिश करो तो इस वीडियो को फिर से देखो। मेक श्योर ये जो टॉपिक्स है, इनमें से जो भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलत हुआ तो फटाके फिर आपको घर में ही फोड़ने पड़ेंगे। मैं सजेस्ट नहीं करता फटाके फोड़ना, लेकिन फिर भी आपको वो घर में ही करना पड़ेगा। दिवाली भी अगले साल घर में ही बनानी पड़ेगी। तो हमारा पहला गोल है दिवाली घर में नहीं बनाना, कॉलेज में बनाना। और दूसरा गोल है पढ़ाई पूरी मेहनत से करना है। तो जो एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर वापस चाहिए है। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी मिलेंगे अब आपको ऐसे क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। इसमें से जो भी सही आंसर है उसको कमेंट करके बताओ। मेक श्योर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।